आज से लॉकडाउन का अगला चरण शुरू हो रहा है और केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइंस भेजी हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक जो जो केंद्र सरकार ने उसमें ढील देने के निर्णय लिए हैं, उसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिए हैं। अभी तक जितनी चीज़ें खोली जा चुकी हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा बार्बर और सलून की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। स्पा नहीं खोला जाएगा, अभी केवल बार्बर और सलून की दुकानें खोली जा रही हैं। ऑटो, ई रिक्शा, ये जितने ग्रामीण सेवा, ये जितने व्हीकल्स हैं, इसमें एक दिक्कत आ रही थी। मान लीजिए हमने कहा भाई ऑटो में एक ही सवारी चलेगी एक बार में। अब एक परिवार से पति पत्नी और एक बच्चा अगर घर से निकले तो अब वो पति अलग ऑटो में बैठेगा, पत्नी अलग ऑटो में और बच्चा अलग ऑटो में। इसकी वजह से कई जगह से सुझाव आए थे कि ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो रहा है। तो चूंकि केंद्र सरकार ने भी इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, तो इस किस्म के रिस्ट्रिक्शन हम भी हटा रहे हैं। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के बाहर कोई नहीं निकलेगा। दिल्ली सरकार भी वो निर्णय लागू करने जा रही है। अभी तक ये था कि 4 व्हीलर्स में केवल ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठेंगे और स्कूटर पे पीछे कोई सवारी नहीं बैठेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इस को हटा दिया है, इस कंडीशन को। तो दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार उसको हटा रही है। मार्केट्स में अभी तक हम लोगों ने ऑड इवन लागू किया था कि एक दिन ऑड दुकानें खुलेंगी, एक दिन इवन दुकानें। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, तो अब मार्केट्स में सभी दुकानें खुलेंगी। पिछली बार केंद्र सरकार ने कहा था कि इंडस्ट्रियल एरिया में स्टैगर्ड टाइमिंग्स लागू किए जाएंगे, तो हमने भी उसी के हिसाब से स्टैगर्ड टाइमिंग्स किए थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने वो निर्णय हटा दिया। तो दिल्ली में भी इंडस्ट्रीज़, अब सारी इंडस्ट्रीज़ खुल सकेंगी। अब मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूँ और इस पे आप लोगों का मुझे मार्गदर्शन चाहिए। आज तक मुझे आप लोगों का बहुत स्नेह मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत विश्वास मिला, और उसी के भरोसे आज जितने काम हम लोग कर पा रहे हैं, आपके विश्वास और आपके स्नेह की वजह से ये सारे काम दिल्ली के अंदर इतने सारे काम हो पा रहे हैं। मेरे पास समय समय पर काफ़ी कठिन चुनौतियाँ आईं, कई बार उनके समाधान नहीं होते थे। ऐसे समय पे मैं कई बार आप लोगों के समक्ष आया, आप लोगों से मार्गदर्शन लिया, आप लोगों से सुझाव लिए। समय समय पे आप लोगों ने जो मार्गदर्शन किया उसको हम लोगों ने लागू भी किया। जैसे आपने कहा, हमने लागू किया। कुछ दिन पहले आप लोगों से सुझाव मांगे थे कि दिल्ली में लॉकडाउन में ढील दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, और भरपूर सुझाव आए, 5 लाख लोगों ने सुझाव दिए। आज आपका सुझाव एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए। क्या दिल्ली के बॉर्डर्स को खोला जाए? एक बार तो आपको लगेगा कि ये क्या पूछ रहा हूं मैं। इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दिल्ली के अंदर कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। रोज़ हम देखते हैं कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैंने इसके बारे में कहा कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय तो है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसलिए कह पाया क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले 5 सालों में आपकी सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में और स्वास्थ्य सेवाओं में खूब पैसा इन्वेस्ट किया है। खूब नए अस्पताल खोले, खूब नए बेड्स बनाए, खूब सारे आईसीयू खोले,
खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया लोगों के लिए। पिछले 5 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर अभूतपूर्व विकास हुआ है दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में। आज उसी की वजह से, जब कोरोना की महामारी की वजह से देश के और दुनिया के कई हिस्सों के अंदर उनकी स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ध्वस्त हो गई, कोलैप्स कर गई, आज दिल्ली में बढ़ते हुए केसेस के बावजूद आपका मुख्यमंत्री आपको विश्वास दिलाता है कि अगर आपके घर में कोरोना हो गया तो चिंता मत करना, आपके लिए बेड है, हमने आपके लिए बेड का इंतजाम कर लिया है। पिछले हफ्ते जब मैंने आप लोगों से बात की थी, अभी कुछ दिन पहले, मैंने आपको कहा था कि आज की, उस दिन मैंने कहा था 3-4 दिन पहले कि आज की डेट में दिल्ली में 2100 मरीज हैं लेकिन 6600 बेड का इंतजाम है, और ये 9,500 5 जून तक 9,500 बेड्स का इंतजाम हो जाएगा, 9,500 बेड्स, जबकि आज की डेट में मेरे ख्याल से 2300-2400 पेशेंट्स हैं आज, तो 2300-2400 पेशेंट्स के अगेंस्ट में हमारे 9,500 बेड्स का इंतजाम होगा। ये कौन से अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, कितने वेंटिलेटर खाली हैं, एक तो है कि मैं वैसे ही हवा में बात कर लूं, लेकिन अब आपको ऐप के ज़रिए भी ये पता चल जाएगा, ऐप तैयार हो चुका है, उसको कल लॉन्च कर रहे हैं, कल सुबह उसको लॉन्च करेंगे, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेना और आपको पता चल जाएगा कि किस अस्पताल के अंदर कितने बेड खाली हैं। और अगर आपके घर में कोरोना हो तो आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन अगर हमने बॉर्डर्स खोल दिए तो पूरे देश भर से लोग दिल्ली इलाज कराने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? 2 कारणों से दिल्ली आते हैं। एक कारण कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं आज पूरे देश में किसी भी राज्य से या किसी भी शहर से सबसे ज़्यादा अच्छी हैं, पूरे देश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आपको दिल्ली में मिलती हैं, तो पूरे देश भर से लोग इलाज कराने आते हैं। और दूसरा कि दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में सब कुछ मुफ्त है, आपका 10 लाख रुपए का भी अगर कोई ऑपरेशन होगा तो वो भी मुफ्त है, तो पूरे देश भर से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। जैसे हम बॉर्डर्स खोलेंगे, देश भर से लोग अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली में आएंगे। जो आज मैं आपको कह रहा हूँ कि 9,500 बेड्स हम लोगों ने आपके लिए रखे हुए हैं अगर कोरोना हो जाता है, जबकि आज दिल्ली में केवल 2300 पेशेंट्स हैं, ये बेड्स तो 2 दिन के अंदर भर जाएंगे अगर पूरे देश भर से लोग दिल्ली के अंदर आ गए तो। हमें क्या करना चाहिए? क्या बॉर्डर्स खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? कुछ लोगों का कहना है बॉर्डर्स खोल देने चाहिए, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों को केवल दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, उनके इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए रिजर्व किया जाए। लेकिन दिल्ली तो दिलवालों की है, दिल्ली तो सबकी है, दिल्ली तो देश की राजधानी है, दिल्ली तो केरला वालों की भी है, तमिलनाडु वालों की भी है, यूपी वालों की भी है, बिहार वालों की भी है, झारखंड वालों की भी है, महाराष्ट्र वालों की भी है, दिल्ली तो आज तक सबका इलाज करती आई है, फिर दिल्ली मना कैसे कर सकती है किसी का इलाज करने के लिए? तो कुछ लोगों का सुझाव है कि जब तक कोरोना है तब तक के लिए कम से कम दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली में रहने वाले लोगों का इलाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत सारे सुझाव हैं, मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, आप हमें इस बारे में सुझाव भेजें। शुक्रवार को 5 बजे तक आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। आप मुझे अपने सुझाव व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 8800007722, व्हाट्सएप नंबर है 8800007722, ईमेल है delhicm.suggestions@gmail.com, ईमेल है delhicm.suggestions@gmail.com। और अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, अगर आपके पास ईमेल नहीं है, तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और अपना सुझाव
छोड़ सकते हैं, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी, 1031 1031 डायल कीजिएगा, आप अपने सुझाव छोड़ सकते हैं। फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी, सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं, उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे।